RDR2 के दो कैरेक्टर मरने वाले थे बिकॉज मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जो कि मेरे को नहीं करना था। यहाँ पे कोई सा कैंप है भाई, इसको अपन को इन्वेस्टिगेट सर्च करना है। क्या इस कैंप में और भी बंदे हैं जिसे अपन पूछताछ कर पाए कि आखिरकार इस बंदे को टपकाया तो टपकाया किसने। द लास्ट गाइस, काफी सारे यहाँ पे टेंट हाउसेस हैं, इसके अंदर चेक करेंगे कि कोई तो अपन को मिले जो कि अपन का सवालों का जवाब दे पाए। और भूल गए गोल्ड, यस ये गोल्ड का पत्थर मेरे पास आया कहाँ से, उसके भी सवालों के जवाब ढूंढने मेरे को। तो लास्ट गाइस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो टेंट था भाई, पहले में से कुछ निकलता, दूसरे में भी कोई नहीं होता, बस लालटेन जल रही है तो इसका मतलब कोई तो था, बस अभी अभी यहाँ से कोई गया। तो भाई यहाँ पे लग रहा है लूटा पार्टी। ओ भाई एक सेकेंड मेरा भाई, यहाँ कुछ तो आवाज आई मेरे को, कोई है क्या यहाँ पे? हेलो, वो 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 लेडी, आराम से भाई, ये लेडी टपका देती अपन को। रुक जाओ, ओके कम डाउन लेडी, कम आउट। अरे अपन लोग तेरे को नहीं मारने वाले, मारना होता कब का स्नाइपर टपका देते। लेट्स गो भाई, फाइनली इसे बातचीत हो चुकी है और भाई ये कह रही है कि इसका जो भी हस्बैंड था उसको कोई गुंडे लोग है ना पकड़ के ले गए, कोई सा गैंगस्टर लोग। तो कह रही है अगर तुमने मेरे को उसको ढूंढ के नहीं दिया तो ये हमारे सवालों के जवाब भी नहीं देने वाली, और जो पीछे मरा है उसका भी इंजाम हमारे सर पे लगा देगी, बिकॉज इसने अपन का चेहरा समझ लिया, और चेहरा देख लिया है, समझने की बात दूर है। तो लास्ट गाइस फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे एक और कैंप मिलता है और कैंप में आग जल रही है, तो इसका मतलब पार्टी तो चल रही थी लेकिन कोई गायब हो गया यहाँ से। The last guys found out करते हैं। Hello, Mr. Boys and Girls, where are you for there? कोई है क्या यहाँ पे? कोई है क्या यहाँ पे? अरे भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे किसकी आवाज आ रही है? Help चिल्ला रहा है भाई, कोई तो है यहाँ पे, कोई तो है। There is he. Oh भाई, अच्छी है भाई, इसको किसी ने लपेट के यहाँ पे बांध। आई डोंट नो, ये इसका मुंह खोलते हैं कि ये सबसे पहले उगले। ओ भाई हो चुका है स्टार्ट, तो भाई सबसे पहले लगाते हैं अपना थम्स अप। एक गया भाई, अरे घोड़े से मारेगा मेरे को भाई, घोड़े से मारेगा। ले भाई ये भी गया, ये भी गया। ओ भाई क्या खतरनाक भाई, ये लोग आए कहाँ से? आई थिंक यही लोग वो बंदे जिसको इसको उठा के ले गए। ले भाई हॉर्स राइडिंग वाले को टपका दिया। टेंशन मत ले बेटू, टेंशन मत ले, तेरे पीछे मैं हूँ, तेरी बैक काफी ज्यादा मजबूत है। टेक इट डाउन। तो लास्ट गाइस फिलहाल के लिए सारे बंदे आगे हो चुके हैं डाउन। अब गाइस इस बंदे से अपन पूछताछ करते हैं और देखते हैं आखिरकार ये कहता है। तो मैंने निकाल लिया अपनी चक्कू, और देखो चक्कू से काम ये करना है कि उसको सबसे पहले रस्सी खोलनी है ताकि वहाँ पे चल पाए। आई डोंट नो भाई, मैं उसको पहचानता भी नहीं कि ये वो बंदा था या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसको आजाद करते हैं कि, और फिर इससे पता करते हैं कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है मेरा भाई, मामला क्या चल रहा है। तो भाई इसको पता नहीं भाई, बचाने में गोलियां वेस्ट होती हैं, तो गोलियां मैं इनसे वापस से ले लेता हूँ, बिकॉज इनको इनके पास भाई गन थी, तो आई थिंक इनके पास कुछ तो बुलेट्स मिलेंगे मेरे भाई। द लास्ट गाइस यहाँ पे सारे डेड बॉडीज को छानबीन करने के बाद, सबके ऊपर अपना फुटप्रिंट छोड़ने के बाद, मेरे को याद आता भाई ये नहीं करना था। This some reasons, यार some reasons. Yes, go. तो यहाँ पे मैं पटक देता हूँ कि ये आपस में भीप आके आपस में लड़के मर चुके हैं भाई, सबूत भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि इनको अपन ने नहीं मारा, ये रैंडमली मरे हैं, रैंडमली। तो लास्ट गाइस फिलहाल गाइस इस बंदे को मैं उठा के अपने घोड़े पे और इसको छोड़ता हूँ भाई इसके फैमिली के पास। आई थिंक ये वही बंदा है, गलत बंदा अगर मैं लेके गया तो वो लेडी मेरे को छोड़ने वाली नहीं भाई, शॉट गन से मार देगी मेरे को। चलो भाई लेट्स गो भाई, ये सोने की ईंट इसलिए आई थी और अपन सेलिब्रेट क्यों कर रहा था अब पता चला मेरा भाई। तो लास्ट गाइस फिलहाल के लिए सोने की ईंट लेके अपन चलते हैं भाई मॉर्गन के पास, जिसको अपन दिखाएं कि आज की मोटी कमाई हो चुकी है और अपन अब टाउन छोड़ने के लिए रेडी है, बिकॉज पिछले एपिसोड में जो भाई यहाँ के जो वो थे ना
हाई फाई लोग यानी कि नेता लोग, उन लोगों से भाई अपन को बच के छुपना था, तो अपन जगह चेंज कर रहे हैं, तो अपन के पास गोल्ड आ चुका था, पैसा रुपया, तो चेयर्स करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन लेकिन ये मंजूर नहीं था हमारा भाई, अब आ चुका है वो टाइम जिसके लिए मैंने इंतजार किया काफी घड़ियों से, और आप लोग भी उसी का इंतजार कर रहे थे जो कि अब होने वाला है, जो कि अपन के दो कैरेक्टर ऑलमोस्ट मरने वाले हैं। लेकिन थाम्बो यार थाम्बो, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, इतनी आसानी से नहीं मेरा भाई। आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, बहुत चिल्ला रहा है घोड़े पे चढ़ के भाई, इसको तो पेलना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला। लेट्स गो, अपन के दो बंदे इसने पकड़ लिया भाई, बाहर तो निकलना पड़ेगा, यहाँ से भाग नहीं सकते, बिकॉज अगर अपन भागे तो ये लोग टपका देंगे उसको, तो भागना मुश्किल है मेरा भाई। ओहो, आ चुके हैं बाहर और हाथ ऊपर करके बिना गन वन लिए, हाँ काम डाउन गाइस, काम डाउन, तुम लोग जल्दी मरने वाले हो भाई, जल्दी मरने वाले हो, कुछ तो करना पड़ेगा मेरा भाई। अपन ने आंखों में कर दिया है इशारा, समझ रहा है बिड़ू क्या करना है तेरे को, थोड़ा सा ऐसे साइड में आता कि मैं उसको मार पाऊं। लेट्स गो, करते हैं अपना नाइट ईगल, ईगल मोड ऑन, लेट्स गो, यानी कि ईगल की निगाह मेरी, चील की निगाह मेरा भाई। चल छोटू, बाद में करियो ये हाईजैकिंग, पहले तुम सीख के आओ। ओ भाई उसको मारने वाला था, लेकिन अपन का निशाना नहीं चुकेगा मेरा भाई। ले भाई इसको भी पेल दिया, उठ जा, लेट्स गो भाई, डाउन है। वो भाई बंदे आ चुके हैं भरवान, ये वैलेंटाइन सिटी तो अब नहीं रहने वाली, बिकॉज यहाँ पे हो चुके भाई गोला बारूदी, वो भी बहुत जोर का, बहुत जोर की हो रही है भाई फाइट। लेट्स गो भाई, इसको टपकाते हैं, लेट्स गो, एक सेकंड भाई, कीप द टेंडर, ये है। अब भाई बिल्कुल रेडी हूं मैं, ऊपर चढ़ गया था कि मेरे को दूर दरार से बिल्कुल मेरे को निशाना मिल पाए। अरे पहले ही गिर गया भाई, मैं मारने वाला था ना, मॉर्गन क्या कर रहा है भाई, मैं मारता उसको। ये आ गया मेरा भाई, इनको टपकाना भाई, उड़ते उड़ते भाई, चलता फिरता हेडशॉट भाई, इसे कहते चलता फिरता, चलता। ओ भाई घोड़े भी डाउन करते भाई, वाह इतनी गोली नहीं चलानी थी भाई। लेट्स गो भाई। अरे भाई अपन के एक बंदे को गोली लगे भाई, वो जो बुड्ढा था भाई उसको पैरों में गोली लगी, उसको बचाना पड़ेगा भाई, तो अपन को इनको कवर देना, अपन अकेला है भाई, चलो कोई दिक्कत की बात ना। ये गया और कहीं से कोई तो मारा भाई, कोई तो मारा, अपन को ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नीचे से ये लोग देख लेंगे, अपन ऊपर से देखते हैं, हाई का एडवांटेज भाई ये रहा। चल छोटू साइड हो, एक और गया, ले मेरा भाई इसको भी डाउन किया, अब इसके बाद और कोई बचा है क्या, ये रहा भाई नीचे। चल भाई बाहर निकल, चलो चलो चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मस्ती हो गई, बहुत मस्ती कर ली तुम लोगों ने। अरे यार बुलेट बहुत फायर कर रहे हैं, अपन को नीचे उतरना पड़ेगा और फिर लगानी पड़ेगी हेल्थ मेरा भाई। ले भाई ये भी गया, ये भी गया, ओ भाई सामने से कोई मारता बच गया, अपन नीचे आ चुके हैं वापिस, और इसको करते हैं डाउन। अब भाई धक्का देते हैं भाई, इसको धक्का देके भाई आगे लेके जाना, बिकॉज अपन इसको है ना कंधे पे उठा के नहीं ले जा सकते, वरना गोली लग जाएगी इसको, तो काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, वी आर केयरफुल। ये रहा सामने ही, बच गया, लग गया भाई, ये गया, एक और, आई एम द आर्थर भाई, आर्थर के आगे कोई बच नहीं सकता भाई। ले भाई ये भी गया, ओ भाई धक्का दो तुम लोग, मैं कवर दे रहा हूँ भाई, पूरा कवर दे रहा हूँ भाई, और ये बेगम का कवर हमें भी मिल रहा है। ये भाई ये गया, सामने से साइड करिए भाई, ए अड्डू चल हो जा फड्डू। ले अब तो होगा भाई, कितने बुलेट्स खेलने पड़ेंगे इसको, कितने बुलेट्स। ले भाई ये भी हुआ डाउन, ये भी हो गया डाउन, ये भाई ये भी गया, ये भी गया, वाओ 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 वाओ। ले भाई ये भी हुआ, और भाई क्या हाईजैकिंग है मेरा भाई, क्या हो रहा भाई, अपन मरते मरते बचे, एक तो मरने वाला है, वो बस पहुंचने वाला है, थोड़ा सा करीब है बस, यमराज आ चुके हैं, बस अपन बचा रहे हैं किसी तरीके से। लेट्स गो भाई, ये भी जा चुका है, ओ भाई फाइनली गाइस, अब मेरे को इसको उठा के भाई पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज अपन आ चुके हैं काफी ज्यादा क्लोज। ये रहा भाई सामने वो जगह जहां से अपन घोड़े बाइक करते, बट बाइक कर नहीं पाए। अरे नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को डाउन करना पड़ेगा भाई, निकालनी पड़ेगी पिस्तल, स्नाइपर से काम नहीं हो रहा। हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ भाई, देख रहा है कितने बंदे ने अटैक कर दिया। ले भाई ये भी गया, ये भी गया, अरे यार इसके पैरों में चल नहीं सकता ना भाई, इसी को उठाना है। अरे आ जा रे बुढ़ाऊ, आ जा कंधे पे बैठ मेरे,
अब कोई नहीं भाई, जितनी देर में इससे पहले कोई आता भाई कंधे पे उठा के मेरे को इसको मोर्गन के पास छोड़ के आना भाई, क्योंकि भाई कोई बुलेट्स वगैरह फायर कर देगा ना इस बुड्ढे के ऊपर, ये मर जाएगा भाई। तो मैं थोड़ा सा कवर में से लेके जाता हूँ इसको। लेट्स गो भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, इसको इसके ऊपर अपन रख देंगे भाई। लेट्स गो, इसको ले जाओ पहले, ले जाओ और इसको मेडिसिन वगैरह दिलाओ, मैं आता हूँ। पिछू पिछू आएगा, मैं पिछू पिछू आएगा, तुम लोग निकलो। हाँ तुम लोग कैंप पहुंचो और मैं आऊंगा भाई। अरे यार मेरे को काम थी, देखता जोखिम भरा। खैर भाई तू देख, अपन लोग आते हैं। और भाई अपन अकेले हैं भाई, ये दोनों भाग चुके हैं यहाँ से, और अपन को यहाँ से सारा मामला समझाना पड़ेगा। तो एक और बार नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा। ठंडे ठुंडर बहुत रिक्सी हो जाता भाई, मैं कीबोर्ड में मरते मरते बचता हूँ भाई। लेट्स गो भाई, इसको दूंगा हेडशॉट भाई। रिवॉल्वर हो चुके रिलोड। और भाई ये तो बिल्कुल ठीक मिथुन दा वाला सीन हो गया भाई, साइकिल के पीछे कवर लेने वाला जैसा सीन। ले भाई बच गए अपन, ये भाई इसे कहते हैं एकदम चुम्मेश्वरी हेडशॉट। ये भी गया, अरे बच गया बच गया। अरे कद्दू चल निकल 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 भाई, पील दिया भाई। अरे अभी भी निकला भाई, छाती में गोली मारी मेरे भाई, छाती में। अब कभी ये दिल ना लगा पाएगा मेरा भाई, दिल नहीं लगा पाएगा। ओ भाई इधर से भी आ रहा है, इसको भागता हुआ हेडशॉट दूंगा। ले भाई भागता हुआ हेडशॉट फेल दिया भाई इसको मैंने भाई। इस बात पे तो कर सकते हो तुम लोग अगर चाहो तो। अल्लाह उसको भाई। अरे नहीं 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 नहीं, लिए भाई ये क्या भाई, बिल्कुल सामने से आ रहा था भाई, सामने से भाई। ओ भाई हेल्थ मेरी डाउन हो चुकी है, मेरे को लाल पीले क्यों दिख रहे हैं भाई, लाल पीले क्यों। भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा भाई, हालत हो चुकी है खराब, काफी सारे बंदे आ चुके भाई। तो भाई मैं जंगल में से चलूंगा अपने कैंप पे, बिकॉज ये मेरा पीछा ना कर पाए और जंगल से मैं सेफ कहीं पे निकल पाऊँ। तो लेट्स गो भाई, घोड़े को भगा के भाई मैं चलता हूँ भाई जंगल के अंदर, इससे पहले कोई मेरा मंगल कर दे अपन को निकलना पड़ेगा। वैसे आज मंगल ही है, ये क्या बात हो भाई। चलो भाई क्या कॉन्सिडेंट है। तो भाई सामने से आ रहा है कोई बंदा भाई, मेरे पीछा काफी देर से कर रहा भाई। कहाँ गया ये रहा, ए बच गया मेरे छोटू, गोली खाओ भाई। ले भाई बिल्कुल लगा मुंह पे भाई, बिल्कुल जबड़ा इसका टूट गया हुआ है, बिल्कुल जबड़ा गया हुआ इसका। तो लास्ट गाइस को ठिलाने के बाद अपन के पास अभी काफी ज्यादा टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का भाई। जंगल में चलते हैं भाई, जंगल अपन बस पहुंचने वाले हैं। एक बार जंगल में घुस गए ना भाई तो कोई अपन का पीछा नहीं कर पाएगा, बस जंगल में कोई दिखता ही नहीं है। यस जंगल इज वेरी वेरी डेंजरस जगह, क्योंकि इसमें भालू वालू भी होते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भी बच के रहना पड़ेगा। तो भाई मैं आ चुका था बिल्कुल एंटर द जंगल, बिल्कुल मिड में आ चुका हूँ काफी ज्यादा घोड़े को भगाते हुए। अब अपन को कैंप पे जाना, लेकिन भाई बुलेट सभी भी चल रहे हैं, वो अंधाधुंध कहीं भी चलाते रहे हैं। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली गाइस अपन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई अपन पार करने वाले हैं भाई अपने इस जंगल को भाई। जंगल से अपन बच गए, भालू लोग से भी बच गए, काफी सारे खतरनाक जानवर से भी बच गए, और फाइनली उन लोगों से भी बच गए जो कि अपन के ऊपर अटैक कर रहे थे लगातार बार बार हर एक बार। तो लेट्स गो गाइस, तो लेट्स गो गाइस, फिलहाल के लिए मेरे को लगा भाई वो लोग यहाँ रुके होंगे अपन के कैंप पे, लेकिन यहाँ तो भाई अलग ही बंदे थे भाई, इनसे मेरे को बचकर निकलना पड़ेगा। तो भाई इस नदी के ठीक पार करके अपन का कैंप आ जाएगा, तो अपन को वहां जाना भाई। और मैं आपको बता दूं आज से अपन का कैंप वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब अपन जगह चेंज करने वाले, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया होगा, बिकॉज जिस तरीके से मैं भाग के आया हूँ ना भाई, उन लोगों को लगा आसपास के एरिया में ही रहता होगा, तो पूरी जगह पे छानबीन करेंगे। तो भाई अब अपन को पूरा का पूरा दोबारा से अपन को नया बेस बनाना पड़ेगा। काफी सारे बंदे आएंगे, काफी अच्छा काम कर रहे हो, कोई आएगा तो बताइए मेरे को, ठीक है भाई। तो भाई मैंने इसको अलर्ट कर दिया है कि देखिए भाई पीछे कोई आए तो बता दियो, बस अपन पिल ना जाए। तो लेट्स गो गाइस, फिलहाल के लिए गाइस अपन आ चुके बैक टू द कैंप, और भाई देख रहे हो सारा सामान लपेट लिया गया है, मेरा वैगन वगैरह भी रेडी हो चुका है, कुछ दो चार सामान रखने हैं, उसके बाद अपन निकल पड़ेंगे दूसरी जगह के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही हो, सो अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू नारायण।